बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई व्रतों का वर्णन है और आज हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है प्रदोष व्रत। इस बार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाएगा गुरु प्रदोष व्रत और ये व्रत है इस बार 8 सितंबर को। हर प्रदोष व्रत का अपना ही महत्व होता है। शिव की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर व्रत है प्रदोष व्रत। इस बार 8 सितंबर को जो पूजा है, ये पूजा भी प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का मतलब है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद। तो इस संवाद पूजा का जो ये योग है, ये जो काल है, वो है 6:35 से करीब 8:52 तक यह योग बन रहा है। तो इसी समय में आपको अपने प्रदोष व्रत की पूजा करनी है। इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो चूंकि बृहस्पतिवार को है, इसलिए इसको कहा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत। ये प्रदोष व्रत हर दिन के साथ मिलकर के एक अलग ही तरह का योग बनाते हैं और इन योगों का, इन प्रदोष व्रत का एक अलग ही महत्व होता है और अलग ही कथा होती है। तो आज हम जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रदोष व्रत को आपको करना कैसे है, इसकी विधि क्या है। सबसे पहले आप सुबह नहा करके पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करिए। इसके दिन आपको काले रंग के कपड़ों से बचना है। इसके साथ ही पूरे घर में गंगा जल का आप छिड़काव करें। शिवालय में जाकर के आप भगवान शिव को अभिषेक करें। दूध से, दही से, पंचामृत से उनको अभिषेक करें और उसके बाद उन्हें सफ़ेद चंदन या फिर पीले चंदन से टीका जरूर लगाएं। भगवान शिव को भांग, बेल, दतूरा ये सभी चीज़ें अर्पित करें। उन्हें पुष्प चढ़ाएं, धूप दिया दिखाएं। इस तरीके से आप भगवान शिव की आराधना करें। इसके साथ साथ जब आप भगवान शिव पर जल अर्पित करेंगे, दूध अर्पित करेंगे, शहद अर्पित करते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं और आप उनको बेल, भांग, धतूरा ये सभी चीज़ें अर्पित करते हैं, इसके साथ ही आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप लगातार करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ माँ पार्वती को भी ध्यान आपको ज़रूर करना चाहिए। माँ पार्वती का ध्यान और आराधना भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप उनको अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव जी के मंत्रों का जप करते हैं, माँ पार्वती की आराधना करते हैं। इस व्रत में आपको जिस दिन का ये व्रत है, जैसे कि अगर गुरुवार का व्रत है तो आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा इस दिन पढ़नी चाहिए। इस व्रत का जो पारण होता है वो चंद्रमा को अर्घ देके होता है। पूरे दिन आपको फलाहार ही रखना होता है, मीठा भोजन करना होता है और इस दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप नमक के बिना नहीं रह पाते हैं तो आप इसमें सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। सादा नमक से आपको इस दिन बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, इसके फल क्या है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का कोई तनाव है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, वाद विवाद है या नौबत डिवोर्स तक आ गए हैं तो आपको गुरु प्रदोष व्रत का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपको शिव शंकर के साथ साथ गुरुवार का यानी देव गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से कहा जाता है कि 100 गायों को दान करने जितना ही पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। इस दिन व्रत करने से, गुरु प्रदोष व्रत करने से आपको कई तरह के कष्टों से निवारण होता है, छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है आपको। ये जो व्रत होता है गुरु प्रदोष व्रत, ये शत्रुओं को शांत करने वाला होता है। अगर आपके लाइफ में आपको ऐसा महसूस होता है कि शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आपकी किसी से बात नहीं बन रही है, अकारण ही झगड़े हो जाते हैं, तो आपको गुरु प्रदोष व्रत ज़रूर करना चाहिए और ये व्रत आपके दाम्पत्य जीवन के कष्टों को भी दूर करता है। इस बार का जो ये व्रत है, ये व्रत 8 सितंबर को है, यानी कि गुरुवार के दिन है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 8 सितंबर गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत किया जाएगा और इसी की पूरी विधि हमने आपको बताई। इस तरह की पूरी जानकारी के लिए आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ।